जय जिनेंद्र कुक विद मनीषा में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी का नाम है तिल चॉकलेट रोज। इसके लिए मैंने 1 कप व्हाइट तिल लिए हैं, 1 कप शुगर ली है, डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिया है और हमें रोज फ्लावर का शेप देनी हो इसलिए मैंने सिलिकॉन का मोल्ड लिया है। ध्यान रहे हमें सिलिकॉन की ही कोई भी शेप का बनाओ, आप सिलिकॉन का मोल्ड ही यूज करें। अदरवाइज जो हम शुगर मेल्ट करके कैरमलाइज करके डालेंगे जलने का रहेगा और हमारे चीज खराब हो जाएगी। तो मैं यही बोलूंगी किसी में भी बनाओ सिलिकॉन मोल्ड ही लीजिएगा, शेप कोई भी हो। तो अब सबसे पहले हम तिल को रोस्ट करेंगे। तो एक बार मैंने फ्लेम हाई रखी है, कढ़ाई हमारी गर्म हो जाएगी तब हम फ्लेम को स्लो कर देंगे और तिल को स्लो फ्लेम पे ही सेकेंगे। देख सकते हैं तिल हमारे रोस्ट हो गए हैं, आवाज आने लग रही है। देखिए एक तरह से बोले तो तिल डांस कर रहे हैं, मूवमेंट दिख रहा है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, अदरवाइज तिल हमारा कड़वा भी लग सकता है। मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और 2 मिनट हम इसी को कंटिन्यू ऐसे हिलाते रहेंगे। तो तिल हमारे रोस्ट हो चुके हैं, उनको मैंने दूसरे में ट्रांसफर कर लिया है और एक साइड मैं डबल बाउलर में चॉकलेट को 200 ग्राम चॉकलेट को मेल्ट होने के लिए रख दूंगी। अब हमारी चॉकलेट एकदम मेल्ट हो रही है तब तक मैं शुगर को कैरमलाइज करूंगी। पर अब हमें ये ध्यान रखना है एक बार में हम शादी शुगर को कैरमलाइज नहीं करेंगे क्योंकि ये जो ठंडी भी बहुत जल्दी होती है और अपनी पोजीशन बहुत जल्दी ले लेती है। तो हम थोड़ी थोड़ी शुगर को ऐड करेंगे। मैं एक बार थोड़ी सी के लिए देख सकते हैं इसको मेल्ट करूंगी। तो चीनी हमारी मेल्ट हो रही है, इसमें हम हल्का सा घी डाल देंगे जिससे कढ़ाई में आसानी से छूट जाएगा। कंटिन्यू हमें स्लो फ्लेम पे ही खिलाते रहना है। तो आप देख सकते हैं चीनी हमारी कैरमलाइज हो चुकी है और इसी टाइम हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे, नहीं तो चीनी भी कड़वी हो जाएगी। अब हम एक लेयर इसकी डालेंगे, 2 मिनट कंटिन्यू हिलाएंगे, हल्की सी हवा निकल जाए। 2 मिनट नहीं तो 2-3 सेकेंड तो कंटिन्यू हिलाएंगे। फ्लेम हमने ऑफ कर दी है, इस स्पून को मैं निकाल देती हूँ और छोटी स्पून से हम मैंने इस ट्रे को ग्रीस कर लिया है। देख सकते हैं इसको हम हाथ में नहीं पकड़ सकते क्योंकि चीनी शुगर जो कैरमलाइज हुई हुई है वो भी गर्म है हमारी, इसलिए मैंने कोई भी स्टील की प्लेट या आप किसी में भी रख सकते हैं। हम थोड़ी थोड़ी इसमें फिल करेंगे। इसी तरह मैं सारी में फिल कर लूंगी, हमें थोड़ी थोड़ी लेयर लगानी है इसमें। तो चॉकलेट हमारी मेल्ट हो चुकी है, इस पे मैं 1 पिंच जैसा सॉल्ट डालूंगी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें आप जो हमने तिल रोस्ट किए हुए हैं थोड़े ऐड कर देंगे, अकॉर्डिंग टू टेस्ट है। कैरमलाइज शुगर जो है हमने सब में डाल के सेट किया हुआ है, अब इसी पे हम ये मेल्ट किया हुआ चॉकलेट फिल कर देंगे। चॉकलेट फिल करते समय जिस पोजीशन में हमारा स्पून है हमें इसको टर्न करके लेना चाहिए तो ड्रॉप हमारा सब जगह गिरेगा नहीं। इसी तरह मैं सारे को फिल कर दूंगी। तो तिल मिक्स चॉकलेट हमने सब मोल्ड में डाली है, इसको हम अब टैप कर लेंगे 2-3 बार और नॉर्मल हाफ आवर के लिए ऐसे छोड़ देंगे सेट होने के लिए। इस पर हम थोड़ा तिल जो है स्प्रिंकल्स कर देंगे।
हाफ आवर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। सब पे हमारे तिल स्प्रिंकल्स हो गए हैं। इसको हम फ्रीज में सेट नहीं करेंगे, रूम टेम्परेचर पे ऐसे ही सेट होने के लिए छोड़ देंगे और हाफ आवर बाद में इसको देखते हैं निकाल। तो ये चॉकलेट्स हमारी सेट हो चुकी है, अब इनको हम रिमूव कर लेंगे। बहुत इजीली देखिए बहुत ही अच्छे से निकल गया ये है। इसी तरह मैं सारी निकाल लूंगी। तो अब एक और तरीका, हम इसको सर्विंग के लिए ऐसे भी कर सकते हैं। चीनी को मैंने कैरमलाइज कर लिया है और इसी में हम तिल ऐड कर देंगे। और इसको फटाफट मिलाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा हम इसमें इसको डालते जाएंगे और थोड़ा प्रेस कर देंगे ताकि इसका जो फ्लावर की डिजाइन है वो अच्छे से आ जाए। इसी तरह मैं सारे को फील कर लूंगी। तो इस ये कैरमलाइज शुगर में मैंने तिल ऐड करके इनको हाफ हाफ फील कर लिया है। इस पे अब मेल्ट की हुई चॉकलेट जो है हम प्लेन भी डाल सकते हैं और चॉकलेट में हमें तिल ऐड करना है तो तिल भी डाल सकते हैं। इसमें मैं प्लेन ही चॉकलेट डाल रही हूँ। इसी तरह मैं बाकी सब में भी फील कर दूंगी। तो तैयार हो चुके हैं हमारे तिल चॉकलेट रोल्स। इसमें हमने 3 टाइप से हमने बनाया है। चॉकलेट में तिल को ऐड करके बनाया है, कैरमलाइज में तिल को ऐड करके बनाया है, कैरमलाइज डाल के चॉकलेट में तिल डाल के ऐड करके बनाया है। आप चाहो तो 3 लेयर में भी इसको बना सकते हैं। मैं फिर कोई वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखने में भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं और खाने में भी उतने ही यम्मी और क्रंची है। अब विंटर सीजन में गिफ्ट पर्पस भी इसको आप गिफ्ट करने के यूज भी ले सकते हैं। तो इसे बनाइए और मेरे को कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। लाइक शेयर कीजिएगा अच्छी लगी हो मेरी रेसिपी तो, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। ऐसे ही इजी और न्यू रेसिपी मैं लाती रहूँगी। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। जय जिनेंद्र।